मैं आप लोग को बता दूं, लुम्बार्गिनी के मालिक फारूसिया लुम्बार्गिनी सेना के इस्तेमाल किए गए पुराने पुर्जे का ट्रैक्टर बनाते थे और उस काम से वो अच्छा खासा कमा लेते थे। एक बार लुम्बार्गिनी ने फरारी की कार खरीदी, लेकिन उस कार को चलाने के बाद उन्हें कार में कई तरह की कमियां नजर आई और उन्होंने इन कमियों की जानकारी फरारी के मालिक एंजो फरारी को देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इस बारे में उन्होंने एंजो फरारी को बताया, वो भड़क गए। एंजो फरारी ने लुम्बार्गिनी से कहा कि वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, मैं ट्रैक्टर ड्राइवर से सलाह नहीं लेता, और उन्होंने फरारी की कार नहीं बल्कि ट्रैक्टर ही खरीदनी चाहिए। इस बात को सुनकर लुम्बार्गिनी को बहुत आहत पहुंची। फिर उन्होंने उसी समय ठान ली कि वो अब खुद फर्स्ट कार बनवाएंगे जो फरारी को टक्कर देगी। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।